किसी भी इकोसिस्टम को अगर नष्ट कर दिया जाए, जैसे कोई फॉरेस्ट है उसे हम नष्ट कर देते हैं, तो उसे दोबारा बनने में कितना टाइम लगता है? आप कहोगे कि है क्या करना है उसके लिए, हम जा करके पेड़ पौधे लगा देंगे, कुछ बीज रोप देंगे यहाँ वहाँ और फॉरेस्ट बन जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक फॉरेस्ट जो नेचुरली बनता है वो प्रोसेस होता है सक्सेशन का। इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टेजेस होती हैं, सीरियल स्टेजेस बोलते हैं उनको हम, और उसके बाद फाइनली एक फॉरेस्ट बनता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप देखोगे कि इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, और बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक दूसरे में इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। किसी भी मैनमेड फॉरेस्ट में जहाँ पर हम खुद जा करके फॉरेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, यानी खुद लगा रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स को हमने चूज़ किया और उसे लगाया, तो अगर हम किसी फॉरेस्ट को लगा रहे हैं तो सेम रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट अपने आप में जब बनता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाता है। अब मध्य प्रदेश में एक बक्सवाहा फॉरेस्ट है जहाँ पर करोड़ों के हीरे मिले हैं, और उस हीरो के लिए वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे जाने वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट के इकोलॉजिकल कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से PIL भी फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ लोग NGT भी गए हैं इसके अगेंस्ट में, और जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर आसपास में, खासतौर पर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर ये फॉरेस्ट बक्सवाहा फॉरेस्ट है, वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लाइवलीहुड है खासतौर पर वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनका, वो भी इससे अफेक्टेड होने की उम्मीदें हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट, #SaveBakswahaForest, ये मई में एक दिन ट्रेंडिंग में भी आ गया था ट्विटर के ऊपर। 5 जून को बहुत सारे फॉरेस्ट लवर्स ने एक सिंबॉलिक चिपको मूवमेंट भी किया इस फॉरेस्ट में जाकर। हालांकि बहुत ज़्यादा COVID-19 सिचुएशन होने की वजह से चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा रहीं, लेकिन ये मोमेंटम गेन कर रहा है ये प्रोटेस्ट। अब कहीं से फॉरेस्ट आप हटाते हो, क्लियर करते हो, तो दूसरी जगह लाते हो, इसे हम कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री कहते हैं या कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं। और कंपनसेशन में जो फॉरेस्ट लगाए जाते हैं वो मोस्टली किसी एक्सप्रेसवे, हाईवे के आसपास इस तरीके से लगाए जाते हैं। हालांकि ऑन पेपर ये बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन कोई काउंट करने तो जा नहीं रहा। बहुत सारे को फिर दिखा देते हैं कि ये वेदर के कारण या जानवरों ने किसी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो एक्चुअल लॉस है एनवायरनमेंट का वो कंपनसेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, हीरे हैं, हीरे ज़्यादा अच्छे हैं, ऑक्सीजन मिलता है हमें प्लांट से, और हीरों से पैसे मिलते हैं, और पैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वी कैन इग्नोर इट। बट ऐसा है क्या, ज़रा सोचना एक बार, क्योंकि सांस लिए बिना आप नहीं रह सकते। अब आप कहोगे कि यार वही फॉरेस्ट बचा है सांस लेने के लिए और कहीं नहीं बचा है। अरे ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले फॉरेस्ट कवर देखते थे, अब ग्रीन कवर में ट्री कवर भी देखना शुरू कर दिया, ताकि जो हमारा परसेंटेज है वो अच्छा खासा दिखने लग जाए। तो फॉरेस्ट जो ओरिजिनल नेचुरल होते हैं, जो कहाँ से आ रहे हैं, जो सक्सेशन से आ रहे हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आप एक इकोसिस्टम को नष्ट कर रहे हो। आप जाने अनजाने में बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हो। आप बहुत सारी स्पीशीज़ जो वहाँ पर है नोटिस्ड और अननोटिस्ड, उसे समाप्त कर रहे हो। जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन होता है ना, उसके अंदर ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो सेम स्पीशीज़ नहीं हो सकती जो उस फॉरेस्ट में ऑलरेडी पाई जा रही है। हम वही प्लांट्स तो शिफ्ट नहीं कर रहे वहाँ पे। हम कहते हैं कि हम नंबर ऑफ़ प्लांट्स लगा देंगे। अब अवेयरनेस लोगों में है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ए अगर यहाँ पर है और उसको आपने नष्ट कर दिया, वो पूरी तरह ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर स्पीशीज़ बी लगा करके क्या फ़ायदा, जो कि ऑलरेडी आप लगाए जा रहे हो पूरे देश में। यहाँ पर अंधाधुंध आपने यूकेलिप्टस लगवाए थे, किस लिए लगवाए, क्या किया उसने, जानते हैं सारी स्टोरी। आप नहीं जानते तो कमेंट में बताओ, मैं बताऊंगा किसी आगे वाले एपिसोड्स में। ठीक है, तो इस फॉरेस्ट को बचाना ज़रूरी है। क्या हीरा सचमुच सदा के लिए है, या फिर ये कंपनीज हमें सिर्फ मार्केटिंग के नाम पर धोखा दे रही हैं और चूना लगा रही हैं?
बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, नेट पे सर्च कर लीजिएगा हीरे की असली कीमत जानने के लिए। और हाँ, असली कीमत जानना ज़रूरी है इन पेड़ पौधों की भी, इन जंगलों की भी। जंगलों के बिना क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? क्या इतनी सारी सहूलियतें कोई और हमें दे पाएगा? जहाँ बात सर्वाइवल और पैसे की हो, तो आप पैसा चुनेंगे या सर्वाइवल चुनेंगे, फैसला आपको करना है। और अगर ऐसे ही आप विरोध नहीं करेंगे, आपके सामने ये पेड़ कटते जाएंगे, तो भविष्य में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा।